नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। दीपावली यानी दीपों का उत्सव, रोशनी और उमंग का त्योहार दीपावली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। धनतेरस से दीपोत्सव का आगाज होता है। कुबेर देव और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना संध्या काल में घर के अंदर और बाहर दीप जलाए जाते हैं। 5 दिन के इस पर्व में सुबह शाम रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार को दीपों से सजाया जाता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और ऐसे में दिवाली का दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दिवाली पर खासकर मिट्टी के दीप प्रज्वलित करने का महत्व है। लोग अपने घर में दीप लाकर जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तो दिवाली की ये हमारी खास पेशकश, और आज हमारे साथ खास पेशकश में खास तौर पर मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित हैं हमारे साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम अमित जी से जानेंगे किस तरह से दिवाली में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें जो भूल होती है उनसे हमें खुद को बचाना चाहिए। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखते ये है कि हर साल हम दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन इस बार की जो दिवाली है काफी अहम, काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि ग्रहण को लेकर जो एक लोगों के मन में डाउट जो बना हुआ है उस भ्रम को थोड़ा दूर करिए। नमस्कार, दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दीपावली में बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्रहण और दिवाली साथ साथ पड़ रही है, ऐसा समझ करके बहुत परेशान है। तो आइए इस भ्रम को दूर करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दीपावली के दिन ग्रहण नहीं पड़ रहा है, दीपावली के अगले दिन पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है या आपको कुछ दिक्कत है तो गोवर्धन के दिन दिक्कत है। तो इसलिए इस बारे में तो चिंता करना बिल्कुल बंद कर दें और दीपावली की तैयारी करें, बहुत अच्छे तरीके से दीपावली को मनाएं। आज मतलब आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, कोई भ्रम ना रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन कोई भी सूतक का चक्कर भी नहीं है। सूतक होएगा कब? सूतक आप दीपावली मना लेंगे पूरी रात के बाद, सुबह जाकर के सूतक लगेगा भोर में 4:28, क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक लगता है सूर्य ग्रहण में, और यह शाम को हो रहा है 25 तारीख को। तो इसलिए शाम के समय जब ग्रहण लगेगा तो उससे 12 घंटा पहले मतलब भोर में ही सूतक लग जाएगा। तो उससे पहले तो आप आराम से दीपावली मना सकते हैं, तो सारा आपका पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो भ्रम है ग्रहण का वो तो बिल्कुल समाप्त कर दें। दूसरी बात यह है कि इस बार आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा समय अवधि का, कि समय कब पूजा करें कब ना करें। इसके लिए शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह के समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राहु काल में आप कोई ऐसा कार्य ना करें। बहुत बार क्या होता है, आप सजावट करते हैं या बिजली का कनेक्शन वगैरह करते हैं, सोचते चलो लड़ियाँ लगा लेते हैं या बल्ब्स वगैरह लगाते हैं, तो उस समय पर अच्छे से लगे, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको राहुकाल में बिल्कुल नहीं करना है। राहुकाल है कब? राहुकाल सुबह के समय पर। राहुकाल का समय 7:53 सुबह, 7:53 सुबह से लेकर के 9:17, ये दिल्ली के समय के अनुसार है। तो इस समय पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल काम या कुछ ऐसे गैजेट्स वगैरह फिट करने हो, डेकोरेशन की चीज़ें करनी हो, अवॉइड कीजिएगा। इसमें आप सफाई कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको करने से नुकसान हो सकता है या रिस्क हो सकता है, ऐसा ना करें। उसके बाद फिर समय आता है, बहुत सारे ऑफिस के लोग हैं जो ऑफिस में चाहते हैं पूजा कर लें, क्योंकि वो फिर उनको घर में भी पूजा करना होता है, तो ऑफिस में और रात में पूजा नहीं कर सकते, ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में उन लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है कि दिन में कोई ऐसा मुहूर्त निकल आए जिससे हम ऑफिस में पूजा कर लें स्टाफ के साथ, उनको फ्री कर दें, वो अपने घर में दिवाली मनाएं और अपने घर में मनाएं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत सूट करता है, जो कि दोपहर के समय आता है। इसके बाद आप घर आते हैं, तो घर में कौन सा मुहूर्त रहेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। दीपावली प्रदोष मुहूर्त होता है जो बहुत अच्छा होता है। अब प्रदोष मुहूर्त के साथ साथ अगर आपको स्थिर लग्न मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए लक्ष्मी माँ चलायमान है, बहुत चंचल हैं, चली जाती हैं, तो इसीलिए ऐसे कोशिश की जाती है कि स्थिर लग्न मिल जाए, मतलब टिक जाए, लक्ष्मी जी आपके पास रह जाए, तो कोशिश करें कि स्थिर लग्न में पूजा करें। जो वृषभ लग्न बहुत अच्छा होता है, स्थिर है, वो मिल भी रहा है हमें, तो कब मिल रहा है? 6:53 से लेकर के 8:16 के बीच में प्रदोष भी मिल जा रहा है हमें, स्थिर लग्न वृषभ लग्न में मिल जा रहा है, क्योंकि जो प्रदोष काल है वो 5:43 से लेकर के 8:16 तक
प्रदोष हो जा रहा है, और उसके बाद वृषभ काल जो शुरू हो रहा है 6:53 से लेकर के 8:48, इसमें से जो कॉमन समय निकल जा रहा है, जो दोनों मुहूर्त मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है 6:53 से 8:16, आप स्क्रीन पे देख भी लेंगे तो आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से करके आपको ये समय मिल जाता है। शाम का समय बताइए, शाम के समय आपको मुहूर्त मिल जा रहा है, बहुत अच्छा है। शाम के समय दीपक जलाना कितना आनंद आएगा, अपने घर को प्रज्वलित करिए, बढ़िया दीपक से बहुत रोशन से भर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ क्या है कि अब रात में बहुत सारे लोग पूजा पाठ रात में कर पाते हैं, या फिर बहुत तांत्रिक पूजाएं करनी होती है, सिद्धियां करनी होती हैं, ऐसी स्थिति में उनको निशित काल मुहूर्त चाहिए होता है, मतलब रात्रि में, मध्य रात्रि का, जैसे अभी जो दिन का होता है वैसे ही निशिता काल होता है रात का। तो रात का जो मुहूर्त आ रहा है वो आ रहा है आपका 11:40 रात्रि से लेकर के 12 बजे के बाद, मतलब 12:31 मध्य रात्रि के बाद का ये समय निशिता काल मुहूर्त आ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें पर हमें स्थिर लग्न नहीं मिल पा रहा है, जैसे सिंह लग्न यहाँ पर मिल सकता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, वो थोड़ा बाद में मिल रहा है, जो आ रहा है 1:23, 12 बजे के बाद का जो समय है उसमें 1:23 से लेकर के 3:41 के बीच में। तो यदि आप चाहें, अगर सिद्धियाँ करनी है आपको तो आप निशिता काल में कर सकते हैं, यदि आपको देवी माँ की पूजा करनी, माँ लक्ष्मी को साधना है तो फिर आप सिंह लग्न में ही ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस तरह से करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त भी आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, लेकिन चौघड़िया ज़्यादातर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप कोई मजबूरी है या आपको शौक है या आपका मन है तो आप कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ऐसे आप दीपावली का त्योहार सही मुहूर्त में कर सकते हैं, और सही मुहूर्त में अगर काम करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो सफल होगा ही, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने मुहूर्त तो यहाँ पर बता दिया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए कैसे किया जाए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास माना जाता है, माँ लक्ष्मी का दिन ये माना जाता है। और ऐसे में देखिए किस तरह से जो हम माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, अगर देखिए हर कोई पूजा करता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाभ हम माता लक्ष्मी से कैसे ले सकते हैं, ये अहम बात है। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपके घर कोई मंत्री आए, मान लीजिए आप मंत्री बोले कि आपके घर आ रहे हैं, कोई MLA MP या कोई मिनिस्टर आपके घर में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छे से सजाएंगे, हो सकता है आपके यहाँ कोई गड़बड़ था तो उसको ठीक करेंगे, ताकि बढ़िया से उनको वेलकम करने के लिए अच्छी चेयर्स रखेंगे। तो आप एक मंत्री के लिए जिस तरह से करते हो, मंत्री से भी बड़े हैं देवी देवता, तो आप समझ लीजिए कि बहुत VIP ट्रीटमेंट देने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने घर को तैयार कीजिए, सफाई का ध्यान रखिए, डेकोरेशंस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और आज आपको विशेष तौर पर हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे दीपक जला करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि दीपक का बड़ा महत्व है। दीपक जो अग्नि होती है दीपक में, वो बहुत पवित्र होती है, और अग्निदेव को आप आवाहन करते हैं, अग्निदेव साक्षी होते हैं पूजा के, और अग्निदेव सबसे पवित्र हैं। तो सबसे पवित्र देव अगर उपस्थित रहते हैं तो वहाँ पर अपने आप पवित्रता आ जाती है, और जब पवित्रता आ जाएगी तब देवी का आगमन बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि पूजन करते समय भी विशेष ध्यान रखनी है। देखिए आप सभी, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत विद्वान हो, संस्कृत का ज्ञाता हो, मंत्र में बहुत अच्छा उच्चारण कर सके, तो आप इस बात का अफसोस मत करिए, क्योंकि देवी माँ, देवी को माँ के रूप में मान करके जो भी भाषा में आप बोल सकते हैं, अच्छी भावना के साथ पूजा करें। यदि आपके ब्राह्मण उपलब्ध हैं जो आपके लिए पूजा करा सकते हैं तो उनको बुलाइए, उनको अच्छे से पूजा करवाइए, उनको अच्छी दक्षिणा दीजिए, ताकि वो भी खुश रहें और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। लेकिन यदि ऐसी सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप अपने मन से बहुत अच्छे से हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस लैंग्वेज में ही आप देवी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री जो है मातृत्व रूप में जब उनको आप आह्वान करती हैं तो एक बच्चे की तरह से आपको स्नेह प्रेम मिल जाएगा, और मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आज के दिन पूजा करते समय गणपति जी को भी बिठाया जाता है, साथ में लक्ष्मी भी होती हैं, और साथ में सरस्वती जी को भी बिठाया जाता है। और साथ साथ आपको एक और सलाह देना चाहेंगे कि आप विष्णु जी भी को बिठा लेंगे तो और आसानी हो जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर आ गई आपके पास और आपने बुला लिया, सफल रहे आप, उसके बाद जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी वापस चली जाएंगे तो क्या करेंगे? तो आपको तो, आप तो चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके विराजे, आपके धन संपत्ति की दिक्कत ना हो, तो ऐसे में क्या करना है? इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं कि जैसे उनके पति देव विष्णु भगवान, यदि पति है तो पत्नी साथ रहेंगी ना, वो तो चली नहीं जाएंगी, विष्णु जी मौजूद हैं और लक्ष्मी जी चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए विष्णु जी को भी वेलकम कर दिए, उनको भी साथ साथ बिठा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी कहेंगे हमारे पति देव मौजूद है तो हम यही रहते हैं, तो ऐसा अगर हो जाए तो आपको तो कल्याण ही कल्याण है, आपको तो बहुत भाग्योदय हो जाएगा फिर तो। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी बात यह है कि दीपक जलाने के तौर के लिए जो मैंने आपको कहा कि दीपक के बारे में बताएंगे, तो दीपक का विशेष ध्यान रखिए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत ठंडा पानी पीते होंगे, बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत परेशानी होती है, कभी कभी लोग बर्फ़ भी खाते रहते हैं क्योंकि उनको बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट आती है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं आप दीपक गलत तो नहीं जला रहे हैं, ये भी कारण होता है। दीपक ऐसा नहीं कि दीपक आपने जला दिया हो गया जी, दीपक अपना रिजल्ट देता ही देता है। तो इसीलिए अब दीपक के बारे में समझ लीजिए, ताकि आप दीपों का त्यौहार है दीपावली, अब दीपक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे त्यौहार मनाएंगे। तो इसीलिए आपको दीपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दीपक कितने प्रकार के और कैसे करना है, उसमें बाती कैसे लगाया जाए। देखिए, दीपक जो है सबसे पहले जो होता है प्रणीत दीपक होता है, जो दीपक होता है दीपक के सामने थोड़ा सा चोट जैसा निकल आता है, जिसको कंगूरा भी कहते हैं। तो ऐसा दीपक जो होता है वो दीपक घी चलाना चाहिए, उसमें घी डालना चाहिए। और ऐसे दीपक को लोग कैसे करते हैं, अगर देवी सामने हैं तो उनकी तरफ दीपक को, ज्योत को उस तरफ कर देते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा, वो ठीक है अपने हिसाब से ठीक करें। लेकिन ऐसे में दिक्कत होती है कि उस व्यक्ति को जो पूजा कर रहा है उसको बहुत गर्मी लगती है, गर्मी से बेचैन रहता है और गर्मी से रिलेटेड उसको तकलीफें शुरू हो जाती हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे केस में क्या करना है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि दीपक की ज्योत अपनी तरफ रखिए और उसके बाद उनको प्रदान करें। तो उससे क्या होगा कि देवी माँ प्रसन्न होती हैं और आपके शरीर का रोग समाप्त होने लगता है। रोग होने वाला भी अगर भविष्य में, तो वो भी समाप्त होने लगता है, मतलब आप रोगी नहीं रहेंगे और निरोगी होते जाएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट है। अगर रोज़ आप घर में दीपक जलाते हैं माँ लक्ष्मी को, ऐसे चलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा होता है निरंजन दीपक। निरंजन दीपक ऐसा होता है जैसे डमरू की तरह होता है, नीचे स्टैंड हुआ, इसके ऊपर ऐसे दीपक हुआ और दीपक के चारों तरफ कंगूरा जो मैंने बताया ना, चोट जैसा होता है, वो कई कंगूरे होते हैं और उसमें जो ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी लगाई जाती हैं। इसमें ध्यान रहे, विशेष सावधानी ये रखनी है कि घी ही डालना चाहिए, भैंस का घी नहीं डाला जाता है, गाय का घी होना चाहिए। देसी गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि देवताओं को बहुत शुद्ध पवित्र चीज़ ही देनी चाहिए। आपको लगेगा घी महंगा है, घी खर्च करने वगैरह कंजूसी कर रहे हैं, तो देवता भी कंजूसी कर जाएंगे आपको देने में। इसीलिए कृपा करके वहाँ पे कंजूसी मत कीजिए, बेस्ट क्वालिटी का घी वहाँ पे डालिए, थोड़ा ही डालिए लेकिन गाय का घी डालिए और घी ही होना चाहिए। यदि आप तेल डालेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें, धन की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से उसमें घी डाल करके उनका पूजा, उनके देवताओं की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके आगे आपको बताते हैं इसके बाद कौन सा दीपक है। इसके बाद बट निरंजन दीपक सेम निरंजन दीपक की तरह ही होता है, लेकिन उसमें चारों तरफ कंगूरे नहीं बने होते, मतलब चोट जैसा नहीं बना होता, राउंड होता है, नीचे भी राउंड ऊपर भी राउंड, एकदम राउंड। उसमें जोत जो होती है बीच में होती है, खड़ी जोत होती है। इस दीपक पे आप चाहे तेल डालें चाहे घी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें फ्रीडम है। लेकिन इसका बहुत फायदा है, अगर हो सके तो अपने पूजा स्थान पे यही दीपक परमानेंट रखें। उससे फायदा क्या होता है, इसमें जब आप ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योत का जो पुण्य होता है वो सबसे पहले आपके पितरों को प्राप्त होता है। आप देखिए, पितरों के लिए आप हमेशा तो कुछ नहीं कर पाते, आपको तरीका नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो पिंडदान करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं ऐसे ऐसे दीपक जला रहे हैं तो पितरों को प्राप्त हो गया ज्योत, पितरों को ज्योत मिलेगा, पितृ ज्योत लेंगे और लेने के बाद देवताओं को देंगे, फिर देवता को ज्योत मिलेगा तो देवता उस ज्योत को आगे बढ़ाएंगे, कुबेर जी को देंगे। अब कुबेर जी को ज्योत मिलेगा तो कुबेर जी इसको शिव जी को देंगे। अब शिव जी को ज्योत जब मिलेगा तो वो बटुक भैरव जी को प्रदान करेंगे ज्योत और बोलेंगे इस व्यक्ति का जो पूजा कर रहा है, इस व्यक्ति का भला करो, ये जो भी भावना से जो भी करना चाह रहा है इसका काम कर दो। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, आपके पास लोन है, आप परेशानी में हैं, जॉब नहीं मिल रही, जो भी आपको समस्या होगा आप तो भगवान से कहते हैं ना, देवी से कहेंगे ना, तो वो जो आप कहेंगे वो आपकी शिव जी उनको जिम्मा देंगे, बटुक भैरव जी को, बटुक भैरव जी को, इतने देवी देवता साथ में उनको बेनिफिट मिल गया और उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। तो इस तरह से करके ये होता है। और उसके बाद एक कुबेर दीपक होता है, कुबेर दीपक सिंपल होता है, उसमें एक कंगूरा होता है, उसमें हैंडल होता है। ये दीपक जलाने में एक विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें आप जब भी जलाएं तो इसके अंदर खाली नहीं जलाना, उसके अंदर दो लौंग डाल दीजिए या फिर फूल डाल दीजिए या सिक्का डाल दीजिए, इससे आपके अंदर प्रसिद्धि रहती है, मतलब आपका नाम भी बढ़ता है और आपका धन की वजह से मान बढ़ता है। जैसे कि सेठ जी, लाला जी, धनी व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि भाई बहुत अमीर है व्यक्ति, इससे आप फेम भी होता है और आपको धन की वजह से फेम होता है और बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको दीपक के बारे में बताया, ये सारे दीपक का विशेष ध्यान रखिए तो आपको बहुत फायदा होगा। आज ज्योत का दिन है, दीपावली है, तो दीपक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और हमेशा फायदा उठा पाएं। बिल्कुल पंडित जी, आप बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हो। और ये देखिए, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं अक्सर हम भूल कर जाते हैं और इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और देखिए जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और ऐसे में दीपक के बारे में आपने अलग अलग तरह की जो दीपक के बारे में जानकारी हमें दी है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी है। साथ ही साथ पंडित जी बाती के बारे में भी जानना चाहेंगे, उसको लेकर भी खास ध्यान रखना जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने बाती के बारे में भी। बाती लोग क्या है, लोग बाजार जाते हैं, भाई बाती दे दो, दुकान वाला जो देता है लेके आते हैं और बड़े प्यार से
भाव में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर भाव तो है लेकिन आपको जानकारी नहीं है ना, तो जानकारी मैं देता हूँ ना। बात ही कहते हैं एक लंबी बाती होती है, एक गोल बाती होती है जो खड़ी होती है, दो तरह की बाती होती है। लंबी बाती यदि आप देवी को चढ़ा रहे हैं, यदि आप पीपल पे चढ़ा रहे हैं, यदि आप कहीं और चढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए लंबी जोत बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लंबी ही जोत रखें। और माँ लक्ष्मी को चढ़ा रहे हैं या देवी को चढ़ा रहे हैं तो जितनी लंबी जोत रखेंगे उतनी अच्छी रहेगी। मतलब शॉर्टकट छोटी सी, पता लगा दीपक इतना बड़ा है और छोटी सी आप जोत लगा दिए, ऐसा मत कीजिएगा। दीपक जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छा रहेगा। अब देवताओं को जब जोत जलानी होती है तो गोल दीपक, गोल बाती जो होती है जो खड़ी होती है वो जलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, इससे बहुत देवताओं को बहुत फायदा होगा। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, देवताओं को अलग इस तरह का जोत जलाते हैं और देवी को अलग जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि विष्णु लोक में आपको मृत्यु के बाद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके जलाने से हो जाएगा, आपके कर्म भी होते चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट सब में पास करेंगे तभी तो पास करेंगे, तो आप हर सब्जेक्ट को फोकस करें, इसलिए ये भी एक सब्जेक्ट है कि इसका भी ध्यान रखेंगे तो आपको विष्णु लोक में रहने के अवसर मिलेगा। मतलब देवताओं का इतना अच्छा आशीर्वाद मिलता है, तो इस तरह से बाती का भी विशेष ध्यान रखें इस तरह से तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चलिए दीपक और बाती के बारे में बात हो गई। लेकिन पंडित जी, अक्सर ये देखा जाता है कि दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों के लिए पूजा के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं या फोटो लाते हैं, गणेश जी की फोटो लाते हैं या मूर्ति लाते हैं, इसको लेकर भी जो है कन्फ्यूजन बना रहता है, किस तरह की मूर्ति लाना चाहिए या फोटो लाना चाहिए, ये इस भ्रम को भी दूर करिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है लेकिन संकोच बस पूछ नहीं पाता है क्योंकि इतनी सी बातें नहीं पता है। ऐसा करके व्यक्ति को लगता है कि कोई सामने वाला यही कहेगा, इतनी सी बात नहीं पता है, लेकिन पता सबको नहीं होता है और बहुत कन्फ्यूजन है। बाजार में कुछ भी तरह की कैसी भी मूर्तियाँ मिल जाती हैं, कैसे भी फोटो मिल जाते हैं और लोग ले आते हैं और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आपको जानकारी दें कि ध्यान रहे कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हो सके तो मिट्टी की मूर्ति लाइए, और मिट्टी की मूर्ति ध्यान रहे कि उसमें फेस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए हर स्त्री सजती है, हर स्त्री चाहती है मेरी शक्ल बहुत अच्छी लगे, मैं सुंदर लगूं। आप खुद एक मनुष्य होकर के सुंदर लगना चाहती हैं तो क्या देवी को आप अच्छी सी शक्ल नहीं हो, बेकार से टेढ़ी मेढ़ी शक्ल हो, ऐसी शक्ल की देवी को क्यों लाते हैं? तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी शक्ल की देवी की मूर्ति खरीदिए जिसमें बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही हो, आपको लगे कि बहुत आपसे अच्छी लगनी चाहिए देवी। अगर आप मनुष्य हैं और आप सुंदर लगती हैं तो आपसे अच्छी अगर देवी नहीं है तो फिर आप अपमान कर रही हैं देवी का, मत लाइए मूर्ति ऐसी, जरूरत नहीं है मूर्ति लाने की, लाइए ही मत। दूसरी बात है कि अगर मूर्ति ला रही हैं तो मूर्ति लाते समय कितनी बड़ी मूर्ति लाए इस बात का ध्यान रखना है। तो मूर्ति हमेशा देखिए बित्ता प्रमाण होता है, जैसे यहाँ मेरा बित्ता इतना बड़ा है, तो आप बित्ता प्रमाण देख लीजिए। घर में आपके पति पत्नी में पत्नी का छोटा अगर है बित्ता तो छोटी मूर्ति, क्योंकि अगर आप बड़ी मूर्ति लाते हैं तो पत्नी के लिए फिर बड़ी हो जाएंगे। इतने से छोटी मूर्ति होगी या इतनी तक मूर्ति में विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता है, आराम से आप इनकी पूजा कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर बड़े रखें उसका बहुत नियम का पालन करना पड़ेगा, भोग करना, स्नान करना, सारा नियम पालन करना पड़ेगा और उसमें दोष होकर के गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए इतने फैमिली वाले जो होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, उनके लिए इतने ही एलिजिबल है, एक तरह से कह लीजिए। तो इस तरह से इतनी बड़ी मूर्ति लानी चाहिए। दूसरी ध्यान रहे कि गणपति जी के लिए विशेष ध्यान रखना है, गणपति जी लक्ष्मी जी, कई बार मूर्ति बनी हुई मतलब जुड़ी हुई मूर्ति होती है, ऐसे में विशेष ध्यान रखिएगा कि गणपति जी के बाएँ हाथ पर लक्ष्मी जी ना हो। मतलब अगर मैं जैसे गणपति जी हूँ तो बाईं तरफ लक्ष्मी जी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाया स्थान पत्नी का होता है, कहते हैं वाह मंग आ जाओ, शादी में क्या होता है सारे वचन पूरे करके भी बाई तरफ आ जाओ, क्योंकि बाई तरफ पत्नी का स्थान होता है, तो इसलिए वैसे करना अपमान होता है, क्योंकि माँ बेटे का संबंध है यहाँ पर। तो इसलिए गणपति जी के राइट साइड को, मतलब अगर मैं गणपति जी अगर आप मानते हैं तो यहाँ पर राइट साइड को लक्ष्मी जी आनी चाहिए, ऐसी मूर्ति जुड़ी हुई हो तो चलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। विशेष कई बार देखा मैंने कि उल्टी हुई बाजार में बिकते हुए देखा है, शायद उस बेचारे को जानकारी नहीं होगी, उसने बना दिया है लेकिन गलत हो गया है। तो इसलिए आप ऐसी मूर्ति मत खरीदिएगा, जब आप नहीं खरीदेंगे तो बनाने वाले को पता चल जाएगा, फिर वो नहीं बनाया करेगा। दूसरी बात है कि गणपति जी की मूर्ति में एक विशेष बात भी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, गणपति जी की जो सूंड होती है ना, सूंड दाहिनी तरफ, जैसे मेरा अगर मैं गणपति जी हूँ तो मेरी दाहिनी तरफ सूंड ऐसे होगा, तो ये दाहिनी तरफ सूंड माना जाएगा। ऐसे में उग्र होते हैं गणपति जी, फल बहुत जल्दी देते हैं लेकिन नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, उग्र होते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपने उनके साथ कुछ इंसल्ट किया, जूठा दे दिया, गलती हो गई, मंत्र बोल गलत बोल दिया, तो तुरंत आपको फल मिल जाएगा उल्टा। तो इसीलिए ध्यान रहे, आप पारिवारिक लोग हैं, अगर आपसे आपको ठीक से नहीं आता कुछ पूजा मंत्र तो आप पंगा मत लीजिए, आप सीधे से गणपति जी का बाईं तरफ, जैसे अगर मैं गणपति जी हूँ तो ऐसे ट्रंक होना चाहिए, ऐसे सूंड होना चाहिए, तो चलेगा। अब क्या दुकानदार बहुत कंफ्यूज होते हैं या मूर्ति बनाने वाले बहुत कंफ्यूज होने लगे, उनको ठीक से जानकारी नहीं पता लगी और मूर्तियां नहीं बिक पाई वैसी, तो उन्होंने क्या किया, ट्रंक ऐसे करके बीच में भी चलेगा, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके अगर सौम्य वाले जो स्कूल होते हैं वो नाराज नहीं होते जल्दी, वैसे मूर्ति वाले गणपति जी अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे काफ़ी अच्छा फल मिलेगा।
इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि वो लोग कहते हैं कि भाई मूर्ति जो है पूजा करने के बाद कब विसर्जित की जाए, तो उसके लिए बताया कि विसर्जित करने के लिए ध्यान रहे कि गणपति जी और लक्ष्मी जी की पूजा करके विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्यों नहीं करना चाहिए? आप चाहते हैं ना कि लक्ष्मी जी आपके घर में विराजें, चाहते हैं ना कि गणपति जी आपके घर में विराजें, तो मत विसर्जित कीजिए। अगले दिवाली तक के लिए उनको पूजा किया कीजिए रेगुलर, इसीलिए छोटी बोल रहे हैं ताकि आप रेगुलर पूजा आपकी एक्सेप्ट कर पाएं वो। उसके बाद क्या है कि जब अगली दीपावली आएगी तो पूरा नई मूर्ति लेके आइए, अच्छी सी सुंदर सी, और उसके बाद क्या करिए कि एक थाली लीजिए, दो थाली लीजिए बल्कि, एक लक्ष्मी जी के लिए, गणपति जी के लिए, बोलिए उन गणपति जी को रख दीजिए और उस पर जल डालिए, गंगा जल मिला हुआ, बोले कि हे गणपति जी कृपा करके इस विग्रह को त्याग करके इस जल में समाहित हो जाइए, मतलब उस मूर्ति में से निकल करके आपके जल में चले जाएं, और इसको त्याग दीजिए, पूर्ण रूप से त्याग दीजिए, जैसे जिससे इस मूर्ति का मैं कुछ भी कर सकूं, मतलब इसको त्याग सकूं जी। तो इस तरह से करके लक्ष्मी जी के साथ ये करें और नई मूर्ति को फिर रखिए, उसके ऊपर जल डाल करके बोलिए कृपा करके इस विग्रह में समाहित हो जाइए, फिर से इसमें आ जाइए, तो उनको उसमें ट्रांसफर कर दिए एक तरीके से। अब उस मूर्ति को आप दबा दीजिए, नदी में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप गणपति जी को नहीं डाल रहे, मिट्टी के रूप को डाल रहे हैं। तो इस तरह से करके करेंगे तो आप नई मूर्ति आप फिर से स्थापित कर देंगे और फिर उनकी पूजा करके फिर एक साल तक करेंगे तो आपके घर में बरकत बढ़ती जाएगी। ऐसा करने से ना पावर बढ़ता जाएगा। इसी तरह से दीपक का भी ऐसा है कि दीपक आप जो जलाते हैं मंदिर में तो दीपक को फेंकिए मत जल्दी। अगर दीपक बार 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 जलाते हैं, अगर आपका रोज दीपक वही जलाते हैं तो उससे क्या होगा, दीपक के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, चार्ज हो जाएगा और बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए दीपक भी जल्दी बदलिए मत जो मंदिर के अंदर होता है, आप तांबे के ले आइए या किसी का चांदी का सोने का जो भी दीपक है उसको रखते रहिए, जो भी फायदेमंद रहिए। बहुत गहरी गहरी बारीक बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने बताया ताकि इसका पूरा लाभ ले सकें जी। पंडित जी साथ ही सबसे अहम बात की पूजा के दौरान भोग क्या लगाएं, क्योंकि देखिए माता को खुश करना है तो माता की पसंद की चीज उन्हें देना चाहिए। अवश्य, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार है आपके अंदर देवी के लिए, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्त्रियां तो अन्नपूर्णा देवी के रूप में होती हैं, तो आपको माता के भोग लगाने की चिंता होगी। बहुत अच्छा, ऐसे सबको करना चाहिए कि देवी माँ को पूजा करें तो भोग भी लगाएं। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप नाश्ता तो कराते हैं ना, चाय नाश्ता कराते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देवी आ रही है तो देवी के लिए क्या, देवी को तो कोई अच्छी चीज देनी चाहिए, तो उसमें क्या है आप उनको भोग लगाने के लिए गणपति जी को तो लड्डू दीजिए, मोदक दीजिए, उनको बहुत प्रिय है, उनका प्रिय है, आप उनकी प्रिय चीज दे दीजिए, और साथ साथ आपको पसंद क्या है आप अपने दिल से, शबरी ने मीठे मीठे जामुन खिलाए थे, राम जी ने खाए थे ना, तो इसी तरह से आप भी जो आपको प्रिय हो, आपको लगता है ये बहुत अच्छी मिठाई है, आप उनको प्रस्तुत करिए कि आप भोग लगाइए। इसी तरह माँ लक्ष्मी को भी आप भोग लगाएं, जो भी अच्छी चीज मिठाई, माँ लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है वो गन्ना है। इस चक्कर में तो विष्णु जी एक बार जब धरती पर आए थे तो विष्णु जी के पीछे पीछे लक्ष्मी जा रही थी, गन्ने का खेत देकर विष्णु लक्ष्मी जी रुक गई और रुकने के बाद वो गन्ना खाने लगी थी, इतना उनको गन्ना पसंद है। तो इसीलिए आप गन्ना छिल करके अच्छे से टुकड़ा बना करके लक्ष्मी जी को भोग के तौर पर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ देवी देवताओं को खीर बहुत प्रिय होता है और देवी देवताओं को खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। भैंस के घी का नहीं, गाय का घी का खीर बना करके, चीनी मत डालिएगा उसके अंदर, देसी खांड डालिएगा जो शक्कर भी कहते हैं, जिसको देसी, बिल्कुल इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, तो देसी खांड डाल करके उनको भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ध्यान रहे अगर किसी वजह खांड नहीं मिल पा रहा है तो मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो मिश्री से बना लें, थोड़ा सा बनाएं लेकिन शुद्ध बनाएं, जैसा शास्त्रोक्त नियम है उसके हिसाब से बनाएं देवी माँ के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भोग लगाएं, बाकी मिठाई आपको जो जो पसंद है, जो जो उपलब्ध है, बड़े प्यार से खिलाइए, क्योंकि माँ ये दरवाजे पे, तो उनको भोग लगाएं और बहुत खुशियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ दिवाली पर हमने देखा है कि अखंड जोत का भी काफी महत्व होता है, तो ये जोत कब हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 5 दिन का ये त्योहार है, धनतेरस की शुरुआत हो जाती है, और ऐसे में अखंड जोत हमें कब रखनी चाहिए? देखिए अखंड जोत के लिए तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये लोग जानते नहीं हैं, और लोग क्या करते हैं दीपावली के दिन अखंड जोत जलाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात है आपने जलाया, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अखंड जोत में एक फायदा होता है कि बीच में बाती होता है, तो मैंने बताया था ना बटी निरंजन दीप, तो वो बटी निरंजन ही होता है, तो इसलिए क्या है कि उससे पितरों को भी फायदा हुआ, जैसे मैंने बताया आपको। अभी क्या है कि अब दीपक जलाने के लिए आपको बताया, एक विशेष बात बताते हैं कि ये दीपावली का त्यौहार 5 दिन का होता है, ये शुरू हो जाता है आपका त्रयोदशी से शुरू हुआ, उसके बाद नरक चतुर्दशी, धनतेरस हुआ, नरक चतुर्दशी होता है चतुर्दशी के दिन, उसके बाद फिर दीपावली हुई, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद भैया दूज, ऐसे मिला।